सांसद साहब ने कहा कि जिस तरह से कश्मीर फाइल का मुद्दा बीजेपी यहां पर उठा रही है, उसी तरह से अब शिवसेना फाइल जो 92 के दंगे थे उस तरह से फाइल लाने की एक कवायद की जानी चाहिए। तब सच्चाई पता चलेगा ना, हिंदुत्व के लिए कौन मैदान में उतरता है, जंग कौन लड़ता है। अब बात ऐसी कि कश्मीर फाइल के बारे में सच्चाई दर्द है, किसको दर्द नहीं होता। उस सब जो हुआ, अभी राजनीति इतना सोशल मीडिया पे घूम रहा है, कोई कहता है राजीव गांधी जी जिम्मेदार थे, अब एम जे अकबर ने उनकी किताब लिखी, उन्होंने कुछ कहा। मैं शनभर के लिए मान देता कि चलो वही ठीक है, हुआ, उसके ऊपर क्या करना है वो तो बताओ। अब जब वक्त आया तो 1990 में सरकार किसकी थी, जब सही माने में हमारे कश्मीरी पंडित कश्मीर से भगाए गए, अत्याचार हुए, उस वक्त सरकार किसकी थी, वीपी सिंह की थी ना, तो वही तो प्रधानमंत्री थे, उसमें कौन था, क्या भारतीय जनता पार्टी उसमें नहीं थी। उस वक्त एक ही शख्स हिंदुस्तान में था, वो थे वंदनीय हिंदुदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे। शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे का विजय, तो उस वक्त जो बात हुई, उस वक्त बाला साहेब ठाकरे जी खड़े रहे और उन्होंने सिर्फ इतना ही नहीं कहा कि मैं क्या सहायता करूँ, उसके ऊपर इस राज्य को निर्णय लेने पे क्रम प्राप्त किया। उन्होंने कहा कि उनको पूछा क्या चाहिए, मैं कुछ मदद करूँ, तो उन्होंने कहा कुछ पैसे और नहीं चाहिए, हमारे बच्चों की शिक्षा में व्यत्यय आया है, उनका भविष्य अंधकार में है। तो बाला साहब ने कहा चिंता न करो, ये महाराष्ट्र राज्य है, उन्होंने सरकार को कहा कि इनको आरक्षण दीजिए, कश्मीर पंडितों के बच्चों को कानूनन आरक्षण देने वाला राज्य कौन सा है, तो वह महाराष्ट्र। उनको इंजीनियरिंग और मेडिकल के जैसे शिक्षा में भी आरक्षण दिया गया, वो वंदनीय शिवसेना प्रमुख की मार्फत दिया गया, उनके आशीर्वाद से दिया गया, उनकी प्रेरणा से दिया गया। अब यह हमने क्या, आपने क्या किया वो तो बताओ। अब 370 धारा जब खत्म कर दी तो हम थे ना, हमने सबर तो रुश्वत भी किया, आज भी हमें गौरव उसके ऊपर गर्व है, लेकिन आज हम कश्मीर फाइल बता के जो जख्मों को वापस खरोच रहे हैं, तो मेरा कहना है कि अगर सही में आपके मन में दर्द है तो दर्द को अगर निभा, उसको अगर कुछ इलाज करना है तो कश्मीरी पंडितों का पुनर्वसन करो, न कि राजनीतिक लाभ लेने। राजनीतिक लाभ लेने में तो आप माहिर हो, लेकिन अगर न्याय देना है तो उनका पुनर्वसन करिए, तब जाकर कुछ कश्मीरी फाइल पे बता सकते। गलतियों की बात करोगे तो कितनी है, इतिहास पूरा करना पड़ेगा, पूरा वो जब मुगल आए तब से लेकर करना पड़ेगा, पुलवामा में हमारे जवान शहीद हुए, चलो एक फाइल बनाओ फिर पता चलेगा क्या हुआ। वही जख्मों को खर्च कर खून बहाना नहीं, अगर सही में दर्द उनका मिटाना चाहते हो पंडितों का। कल बीजेपी कल बीजेपी वसूली सरकार और साथ ही जितने घोटाले हुए उनकी होली कर रहे हैं। उनका एक तरीका है, उनकी एक रवैया है, हर निगाह हटाने की कैसे, मूल मुद्दों से जो ध्रुवीकरण उन्होंने उत्तर प्रदेश में किया, अब वहां जाकर जो हिंदू मुस्लिम करते रहे। अब इस देश की समस्याएं क्या है, बेरोजगारी, इस देश की समस्या कोरोना है, इस देश की समस्या महिलाओं के अत्याचार है, इस देश की समस्या किसानों को न्याय देने की बात है, इस देश की सारी जितने भी अत्याचार हुए याद है, गंगा मैली भी, राम तेरी गंगा मैली भी, नमामि गंगा कहते कहते राम तेरी गंगा मैली भी, उस मैली करने वाले फिर दोबारा चुन कर आए हैं, क्योंकि नज़र हटाने में कामयाब होते हैं, मुद्दों को दुर्लक्षित करने में कामयाब होते, लोगों को प्रभावित किया जाता है, देखो 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 क्या हो रहा है, वो अगर आ गए तो तुम्हारा क्या होगा, फिर सब हिंदू इकट्ठे हो जाओ, भाई तेरे भूख का क्या होगा, तेरे उजाला गैस का क्या हुआ, इतनी महंगाई हुई 1200 रुपया गैस हो गया है, कोई आवाज़ आई, आप लोग है वही तो बता रहे सब, अगर सूरज निकलता है तो उनकी वजह से निकलता है, अगर डूबता है तो भी उनकी वजह से डूबता है। आखिरी सवाल का, महाविकास अघाड़ी की जो होली का रंग ये लोग खेलेंगे बीजेपी, तो बीजेपी को शिवसेना की तरफ से होली की क्या बात है, रंग खेलने तो हमारा एक ही रंग है, भगवा रंग, वही लेके हम खड़े रहे थे, है और आगे भी खड़े रहेंगे भगवा रंग।